सब्सक्राइब कीजिए एज इन्फॉर्मर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख पाए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूँ एज इन्फॉर्मर में। दोस्तों, आपके पास होगा आधार नंबर और ऐसे कंडीशन में क्या है कि हर जगह अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है आधार के बिना कोई सर्विस एक्टिवेट ही करने का नहीं सोच रहा है। चाहे वो आपका अकाउंट नंबर हो, चाहे वो आपका पैन कार्ड नंबर हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, या कोई भी आने वाले फ्यूचर में सर्विस हो, राशन कार्ड हो या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं आप जो है आधार नंबर के यूज कर रहे हैं। और ऐसे में आधार नंबर जोड़ने के लिए क्या करते हैं, आपको OTP जनरेट करना पड़ता है। लेकिन आपके माइंड में ये चलता होगा कि आखिर आधार जो है आपका आधार नंबर कोई मिसयूज तो नहीं कर लिया। इट मीन्स ये है कि हो सकता है कहीं ऐसे सर्विस जहाँ पे आपको जानकारी न मिला हो और आपके जो है किसी भी तरह से एक्सेस करके इसके बाद वो आधार अभी यूज हो रहा हो, लीगल वे में काम हो रहा हो, बाद में आपको परेशानी हो सकती है। तो आपके माइंड में ये चलता होगा कि आखिर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ये हमको कैसे पता चले। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इसके बारे में बात करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि ऐसे जनरल कंडीशन में आपको जाना पड़ेगा आधार सर्विसेज के पास, लेकिन आप अगर चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने का प्रोसेस ये है कि आपको आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उस वेबसाइट को विजिट करने के बाद आपको वहाँ पे क्या है कि आधार इनरोलमेंट का जो है आधार नंबर का हिस्ट्री जो चेकअप करना पड़ेगा। वहाँ पे आप एक लिंक मिलेगा जो हिस्ट्री वहाँ पे शो करने के लिए लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे इंटर करना पड़ेगा आपको क्या, आपका आधार नंबर जो है 12 डिजिट का आधार नंबर, और आधार नंबर के साथ साथ जो उस आधार कार्ड मतलब आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। इट मीन्स कि आधार नंबर जनरेट करते वक्त जो आपका मोबाइल नंबर उसमें दिया रहेगा उस मोबाइल नंबर पे जाएगा OTP। ध्यान दीजिए, ऐसे होगा कि आपको उस मोबाइल नंबर पे जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और इसके बाद वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आपको 2 साल 5 साल का या अभी जितना दिन से बना है, शुरुआत से लेकर के अगर 1 साल से ज़्यादा होगा तो आप वहाँ पे हिस्ट्री नहीं देख सकते हैं। अप्रॉक्स जो है 7 to 8 month का रहता है यहाँ पे लॉग रहता है। आप किसी स्पेसिफिक डेट या रेंज के बीच आप देखना चाहते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच कोई स्पेसिफिक डेट होगा, तो इस बीच आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ यूज हुआ है, किस सर्विस में यूज हुआ है, और इसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि वो जो यूज हुआ है क्या आपके परमिशन के बगैर हुआ है। अगर आपके परमिशन के बगैर हुआ है तो आप इसके बाद आधार का जो कंप्लेंट नंबर है 1947 वहाँ पे कॉल करके आप जो है कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आगे जो कार्रवाई होना होगा वो कर सकते हैं या रिटर्न कंप्लेंट कहीं पे भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे जो है आप अपने आधार नंबर का हिस्ट्री पूरा चेकअप कर सकते हैं। इसके बाद जो है इससे पता कर सकते हैं कि आपका आधार नंबर का मिसयूज हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।